ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्योंकि हमारे ब्लड में तेजी से बढ़ता है जिससे इंसान को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और लंबे लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। ब्लड प्रेशर होता क्या है, मतलब ब्लड का फ्लो, हमारे ब्लड में ब्लड का कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, जो रीडिंग्स होती हैं वो हम नोट करते हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, और जिसमें आजकल लाइफ स्टाइल जो लोगों की है जो देखा जा रहा है उसमें ब्लड प्रेशर आपका 140-160 ये ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा जो बढ़ता है वो आपकी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे आपको फैमिली स्ट्रेस है, या आपको बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस है, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, या आप तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। बता दो, ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड में बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट इसमें अगर मैं बात करूँ किडनी, ब्रेन और हार्ट को डैमेज कर सकता है ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये बड़ा खतरनाक है। और मैं अगर बात करूँ इसको कंट्रोल करने की, रहेगा आपको अपना सॉल्ट कम करना पड़ेगा, और आपको जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, और आपको डेली 30 से 40 मिनट आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, और आपको वाटर इनटेक करना पड़ेगा जिससे नमक जितना ज़्यादा होता है और हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर मैं बात करूँ लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा बड़ी बीमारी है। लो ब्लड प्रेशर में आपको क्या हो सकता है, आपको यूजली आपको फैंटिंग हो सकते हैं, आपको वीकनेस होगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। मतलब अगर आपको मैं सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे टॉप फ्लोर पर हमारी जो पानी की टंकी होती है उसमें अगर ऊपर तक पानी नहीं पहुँच रहा है तो पूरी बिल्डिंग को सप्लाई नहीं हो, तो ऐसा ही कुछ हमारा सिस्टम जो बना है वो हमारी बॉडी का भी बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो अगर हमारा टॉप फ्लोर क्या है, टॉप फ्लोर हमारा ब्रेन है, जो ब्लड जो हमारे ब्रेन तक सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्रेन तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपको वीकनेस होगी और आपको फैंटिंग हो सकता है और आपको फैटिक हो सकता है। तो ये नॉर्मली सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। लाइट हेडेक आपको हो सकती है, ये भी इसमें सिम्टम्स होते हैं जो लो ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या क्या करना, क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी आपको हाई ब्लड प्रेशर में, आप सबसे मेन रीज़न क्या है, इसमें तंबाकू जो स्मोकिंग जो होती है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और आपको जो मोटापा है वो आपको कम करना पड़ेगा, और पेट्रोल हमारी आर्टरीज में जम सकता है, उससे भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, और शुगर में भी आपको ब्लड प्रेशर जा सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का। बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, हाई हेल्दी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, और वेजिटेबल पे आना पड़ेगा, और आपको कट डाउन सोडियम यानी कि जो सॉल्ट है वो हमें डाइट में बहुत कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग भी क्विट करनी पड़ेगी। कि जो ऊपर का जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और जो नीचे का होता है वो डायस्टोलिक होता है। 120 जो हमारा सिस्टोलिक है, और नीचे वाला जो होता है हमारा वो डायस्टोलिक है। तो 120/80 हम किसी भी एज में नाप सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, तो वो हमारा नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाएगा। स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, सबसे मेन रीज़न स्ट्रेस और आपका खान पानी होता है, आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।